हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव के बांगरमऊ में सब्जी विक्रेता की मौत के मामले में मृतक फैसल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। कल एएसपी शशि शेखर सिंह ने पुलिस की पिटाई से मौत के आरोप को निराधार बताया था। उन्होंने बताया था कि डॉक्टरों का कहना है कि फैसल की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने तथ्य आ रहे हैं वो पुलिस की थ्योरी से काफी अलग है। एक नामी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फैसल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस की जाति के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में फैसल की मौत की वजह हार्ट अटैक नहीं बल्कि सिर में गंभीर चोट से मौत होने की पुष्टि हुई है। फैसल की पीठ, हाथ, छाती समेत शरीर के अन्य हिस्सों में डंडों के निशान होने का भी रिपोर्ट में जिक्र। आपको बताते चले कि शुक्रवार को कोरोना कर्फ्यू के दौरान बबपुरी का रहने वाला मोहम्मद फैसल ठेला लगाकर आलू बेच रहा था, तभी चौकी पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। सिपाहियों ने फैसल को पकड़ लिया और मारपीट कर बाइक में बैठाकर कोतवाली लेकर आ गए। कोतवाली में अचानक फैसल की हालत बिगड़ गई। सीएससी ले जाने पर डॉक्टरों ने फैसल को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से फैसल की मौत होने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया था। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने हंगामा करते हुए उन्नाव हरदोई मार्ग के लखनऊ चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया था। सीओ आशुतोष कुमार ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एसडीएम दिनेश कुमार, एएसपी शशि शेखर सिंह, सीओ सफीपुर बीनू सिंह तीनों थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाने का प्रयास किया। मृतक के परिजन पूरी कोतवाली को निलंबित करने, उचित मुआवजा दिलाने की मांग कर रात तक हंगामा करते रहे। काफी देर समझाने के बाद भीड़ शांत हुई। इस मामले में कांस्टेबल विजय चौधरी, सीमावत और होमगार्ड सत्यप्रकाश पर हत्या का आरोप लगाया गया है। साथ ही इन सबको तुरंत ही निलंबित कर दिया गया है। संवाददाता भीमशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट, बांगरमऊ, उन्नाव, यू न्यूज़।